ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कारमेरा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कारमेरा में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के नए वीडियो के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करने के पहले मैं अपील करता हूं कि जिन्होंने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए लेटेस्ट वीडियो आप देख पाएं और नोटिफिकेशन बेल नीचे पुश कर लें ताकि वीडियो जब भी अपलोड होती है आपके साथ पहुंच सके। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, बात करने से पहले एक चीज हम गौर करते हैं कि हरेक गाड़ी की जो भी गाड़ी अपने पास वेरियंट्स आ रहे हैं उसके बाद उसके अंदर कितनी कितनी सेगमेंट्स हैं उसके बारे में आजकल इतना वास्ट हो गया कि कन्फ्यूजन इतनी है कि कौन सी गाड़ी लें कौन सी गाड़ी ना लें। पहले होता था छोटी गाड़ी में मारुति 800 सेंट्रो, इसके ऊपर कुछ नहीं, धीरे धीरे करके ऑल्टो आई, फिर स्विफ्ट आ गई, फिर उसके बाद ग्रैंड आईटन i20, उसके बाद हैचबैक, एंट्री लेवल हैचबैक, फिर प्रीमियम हैचबैक, फिर मिड साइज हैचबैक, इतनी कंफ्यूजन कहने की हद नहीं हुई। तो चलो आज हम इन कंफ्यूजन के बीच में दो गाड़ियां चुनते हैं, दो गाड़ियां जो एंट्री लेवल पे पड़ती हैं और उनकी कीमत तकरीबन एक जैसी है, तो इसके बीच में कंपटीशन बहुत है और हम कंसीडर बहुत करते हैं कि इन गाड़ियों दो में से हम एक गाड़ी लें। मैं बात करने लगा था पहले एक टाटा टियागो और दूसरी है इग्निस। टियागो को मैंने इसलिए लिया क्योंकि टियागो की आप आजकल के आंकड़े देखो तो टॉप 10 जो गाड़ियां बिकती हैं उनमें सातवें पायदान पे है, पिछले महीने आठवें पायदान पे थी ये गाड़ी, तो ये बहुत अच्छी एक इम्प्रूवमेंट है। कहां टाटा को कहते थे कि एक लोहा लगाते गाड़ी में और कुछ नहीं होता, ना इंजन है ना सस्पेंशन है, कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर, सिर्फ एक स्पेस है और लोहा है। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो इसका मुकाबला अच्छी खासी बड़ी गाड़ियां और इम्पोर्टेड गाड़ियों से हम कर सकते हैं, बाहर की जिनको बोलते हैं फोर्ड या मारुति की गाड़ियों से भी अब इनका मुकाबला होने लगा है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आया है, बहुत अच्छी चीज है टाटा जो डेवलप कर रहा है। दूसरी गाड़ी हम लेने लगे हैं इग्निस। इग्निस के डिजाइन के बारे में तो खैर कुछ नहीं बोलूंगा कि डिजाइन अपना अपना एक चॉइस का मुद्दा है, क्योंकि रियर कई लोगों को पसंद नहीं आया, रियर के बारे में कई ज्यादा इसके बारे में आलोचनाएं भी बहुत हुई इसकी कि ये सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, अपीलिंग नहीं है। पर चलो जो भी है, डिजाइन अब जो है सो है, अब उसके बारे में जो अब चल रहा है डिजाइन उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों पहले टियागो की बात करते हैं, टियागो के डिजाइन से शुरू करते हैं। फ्रंट से फ्रंट ग्रिल में ह्यूमैनिटी लाइन, सिंपल डिजाइन है, कोई ज्यादा हॉच पॉच कट कर्व्स या स्पोर्टिनेस नहीं है इसके डिजाइन में, सिंपल सा डिजाइन है। साइड में अगर प्रोफाइल में देखें, साइड प्रोफाइल भी बिल्कुल सिंपल इसमें नजर आती है हमें। रियर में जाए तो रियर में भी इसका डिजाइन बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा हमें अपीलिंग डिजाइन, रिफ्रेशिंग सा डिजाइन नहीं लगता। अगर हम गाड़ी को भीड़ के अंदर लेके जाते हैं तो थोड़ी अलग स्टैंड आउट जैसे गाड़ी होनी चाहिए वैसी हमें अपील नहीं होती। अगर हम इग्निस की बात करें तो थोड़े टॉल बॉय टाइप डिजाइन है, जैसे रिट्स का डिजाइन था पहला वैसा ही डिजाइन है इसका, टॉल बॉय टाइप डिजाइन है इसका। फ्रंट काफी फंकी और स्पोर्टी नजर आता है हमें, साइड प्रोफाइल भी थोड़ी उठी हुई और स्पोर्टी फील होती है, स्क्वेरिश से थोड़े डिजाइन है, हेडलैम्प भी जैसे स्क्वेरिश की हम बात कर रहे हैं। रियर प्रोफाइल भी थोड़ी स्पोर्टी है लेकिन वो डिजाइन अपना अपना चॉइस का मुद्दा है। तो अगर हम इग्निस को लेके जाते हैं भीड़ के अंदर तो थोड़ी सी अलग स्टैंड आउट जरूर इसका डिजाइन है, ये बात इसके फेवर में जाती है। अब दोस्तों इसके इंटीरियर के अंदर चलते हैं। इंटीरियर के अंदर दोनों गाड़ियां बिल्कुल अलग हैं, जैसा इंटीरियर में स्पोर्टीनेस इसकी इग्निस की है बाहर की तरफ, अंदर इंटीरियर में भी वैसी ही हमें स्पोर्टीनेस नजर आती है। जो इसका स्टेयरिंग व्हील है, स्टेयरिंग व्हील के माउंटेड कंट्रोल जो है वो भी वैसी फिट फिनिश अच्छी नजर आती है हमें। जो इसका MID है या स्पीडोमीटर के जो टचेस फील है वो सभी अच्छे लगते हैं देखने में, ठीक है। और अगर हम सेंटर में आए तो टॉप वेरियंट जो इसका अल्फा टॉप वेरियंट आता है उसके अंदर हमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वो हमें साथ में इसके मिलता है। और अगर हम इसके नीचे आए टॉप वेरिएंट के अंदर जो ऑटो एसी के वेंट्स हैं, और एसी तो खैर हमें मिलता ही है उसमें, तो जो इसके बटन्स नॉब वगैरह है, कॉकपिट टाइप का डिजाइन हमें दिखता है वो देखने में थोड़ा डिफरेंट है। हम इसको ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, लेकिन अलग है, डिफरेंट है, देखने में थोड़ी यूनिक सा लगता है, देखने में अलग लगता है। अगर इसकी हम सीट कम्फर्ट की बात करें तो सीट कम्फर्ट भी इसका अच्छा खासा है, ठीक है सीट कम्फर्ट भी इसका। राइड इसकी प्लांटेड है देखने में, अगर इंटीरियर में देखें तो एक बड़ी गाड़ी की हमें फील आती है इसके अंदर। जो ड्राइवर सीट है ठीक है, ना ज्यादा कंफर्टेबल हम इसको कह सकते हैं, ना ज्यादा बुरी भी नहीं कह सकते, ठीक है। टेल डिस्क स्टीयरिंग हमें मिल जाता है और हाइट एडजस्टमेंट हमें टॉप वेरिएंट के अंदर मिल जाती है ड्राइवर के लिए, जो बहुत एक कन्वीनियंस का भी आजकल एक मुद्दा बन गया है और बहुत
चाहने वाली चीज भी है, क्योंकि एक नीडेड चीज हो गई है आजकल, क्योंकि हाइट थोड़ी गाड़ी की अच्छी है तो हाइट एडजस्टमेंट हो थोड़ी और हेल्प हो जाती है ड्राइविंग में। रियर प्रोफाइल की बात करें, रियल सीट्स की बात करें, रियर सीट्स के अंदर इसका सेंटर पैनल जो है थोड़ा डाउन है, इतना ऊंचा नहीं है, तो इसलिए 3 एडल्ट्स की बैठने की जगह बन जाती है ठीक ठीक सी। ज्यादा हम ये नहीं कह सकते बहुत हैवी अगर कोई बॉडी है किसी की तो वो बैठना चाहे तो 3 नहीं बैठ पाएंगे। कोई बेसिक स्ट्रक्चर जैसे मेरा स्ट्रक्चर है वैसे अगर 3 एडल्ट्स बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। तो अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस 260 लीटर का बूट स्पेस भी ठीक है, यूटिलाइज होता है इस प्राइस टैग में गाड़ी में, ठीक है ये बूट स्पेस भी। और अगर हम इसकी सीट्स के और बातें बात करें तो 60-40 स्प्लिट है इसकी सीट्स रियर वाली, और सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर हेडरेस्ट फ्रंट और रियर दोनों ही एडजस्टेबल है, जो एक प्लस पॉइंट है इसके अंदर, तो जिससे हमें हाइट एडजस्ट करने में, हाइट तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन जब हम सीट की जो हाइट एडजस्टमेंट है हेडरेस्ट की, तो वो हमें सेटिंग करने में अपने हाइट के हिसाब से थोड़ी मदद मिल जाती है। तो अगर हम इसी चीज को एक टियागो के अंदर देखें तो टियागो में भी कंफर्टेबल राइड है, डिजाइन इंटीरियर का देखने में अच्छा लगता है। अगर हम टाटा की ही पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें तो टाटा की गाड़ियों के अंदर ये डिजाइन और ये फिट फिनिश हमें इवन इससे बड़ी गाड़ी जो बोल्ट है इनके पास उसमें भी देखने को नहीं मिलता। अगर फिट फिनिश, प्लास्टिक क्वालिटी, इंटीरियर की बात करें तो अपनी सेगमेंट की कई गाड़ियों को पछाड़ देती है ये गाड़ी। उसके बाद अगर इसकी मेन जो इसकी खासियतें हैं उसकी अगर बात करें तो सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। टच स्क्रीन नहीं है लेकिन फिर भी हार्मन का म्यूजिक सिस्टम 8 स्पीकर के साथ अपने सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास है, इवन कई महंगी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ देता है ये। अगर हम इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट कंफर्ट में टाटा ने इस टाइम बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत अच्छा सीट कंफर्ट है, ड्राइवर के लिए ही कंफर्टेबल ये गाड़ी मेरे को लगी, बहुत अच्छी इसकी साइड की जो कुशनिंग है, था अंडर थाई सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है, बहुत अच्छी इसकी कुशनिंग है, तो इसलिए हमें गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें भी आपको जो स्टेयरिंग है वो टिल्ट मिल जाता है हमें, और हाइट एडजस्टमेंट भी हमें इसमें मिल जाती है, लेकिन इसके टॉप वेरियंट तक में हमें ऑटो एसी नहीं मिलता, ये थोड़ी सी इसमें माइनस पॉइंट है। और अगर हम इसके रियर बेंच को देखें तो देखने में तो बहुत छोटी सी लगती है गाड़ी, लेकिन इसमें रियर में स्पेस भी अच्छा खासा है, फ्रंट में अच्छा खासा स्पेस है, रियर में अच्छा खासा स्पेस है, तो देखने में गाड़ी छोटी है लेकिन स्पेशियस है गाड़ी। अगर हम इसके हम रियर साइड में देखें तो एक प्रॉब्लम जो इसमें है, सेंटर टनल थोड़ा उठा हुआ है, इसलिए 2 एडल्ट्स की बैठने की ही जगह आराम से बन पाती है। उसके बाद अगर हम इसके इंजन की बात करें, इंजन इग्निस में तो वही पुराना इंजन अपना फेमस इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, तो इसलिए भी इसके एक प्लस पॉइंट ले जाती है गाड़ी ये हमें। वो क्या है, 1.3 लीटर यानी 1248 सीसी का जिसको हम इंजन बोलते हैं, DDIS इंजन डीजल के अंदर मिल जाता है, और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन हमें पेट्रोल में मिल जाता है। तो जो ये 2 इंजन हमें मिलते हैं ये दोनों बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, सेम इंजन काफी गाड़ियों के अंदर और भी आ रहे हैं, तो इसलिए हमें इंजन के ऊपर कोई शक करने की गुंजाइश नहीं बचती। अगर हम इसके राइड की बात करें तो अगर थोड़ा सा अगर हमें सिटी में गाड़ी चलानी है तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया इसकी कंफर्टेबल राइड हमें मिल जाती है, प्लांटेड राइड हमें मिल जाती है। अगर छोटी टाइट जगह में हमें इसको पार्क करना है तो तब भी कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं है। तो अगर हम इसको हाईवे के ऊपर लेके जाएं तो हाईवे के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि एक तो इसकी राइड थोड़ी प्लांटेड नहीं रहती हाइट की वजह से, और दूसरी सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर रोड नॉइस बहुत आती है, टायर का साइज वगैरह की प्रॉब्लम है ये, और थोड़ा सा लैग भी इसके अंदर फील। और यही अगर हम टियागो के ऊपर लेके जाएं तो 1.02 लीटर का डीजल इंजन और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन हमें मिलता है। ये इंजन हमें 3 सिलेंडर इंजन हमें मिलते हैं, इसमें भी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों अवेलेबल हैं जैसे कि इग्निस में है। हाँ, लेकिन इग्निस के लिए मैं एक बात बतानी भूल गया, इसके टॉप वेरिएंट में हमें ऑटोमेटिक नहीं मिलता जिसको हम अल्फा वेरिएंट बोलते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर वापस आते हैं। जो इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है बहुत पेपी इंजन है, सिटी के अंदर राइड करने के लिए अच्छा इंजन है, लेकिन हाईवे के ऊपर जाता ही इसका राइड और प्लांटेड हो जाती है और अच्छा परफॉर्म करता है ये इंजन। तो कहने की बात यह है कि अगर हम सिटी के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो
इग्निस के ऊपर जाना अच्छा रहेगा हमें। और अगर हम सिटी हाईवे दोनों पे चलाने के लिए हमें गाड़ी चाहिए तो जाहिर सी बात है हमें इग्निस के ऊपर गौर करना चाहिए। दूसरी बात, इसका जो 1.02 लीटर का डीजल इंजन है वो थोड़ी अंडर पावर फील हमें करवाता है, क्योंकि इस साइज की गाड़ी और इतनी हैवी गाड़ी के लिए वो इंजन इनसफिशियंट थोड़ा फील होता है। ये चीज तो हमने देख ली। दूसरी लेकिन इसके अंदर खासियत गाड़ी के अंदर क्या आ गई, इस इंजन के अंदर, इस इंजन में एक खासियत और है कि छोटा इंजन होने के कारण हमें फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी इंजन ये देता है। और उसके बाद अगर हम खड्डों में इसको लेके जाएं तो सस्पेंशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ी इसमें केबिन नॉइज जरूर आती है हमें, पेट्रोल में थोड़ी कम है, डीजल में ज्यादा है। एक तो वैसे भी इंजन छोटा होने करके, दूसरा थ्री सिलेंडर होने करके इसकी केबिन नॉइज जरूर हमें मिलती है। हाँ, लेकिन वो म्यूजिक सिस्टम भी है ना बहुत बढ़िया, तो उसको चलाओ और केबिन नॉइज को भूल जाओ। हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं, बाद में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई लोग हमें, मतलब मेरे साथ भी दो एक्सपीरियंस हुए ऐसे कि फ्रेंड्स ने गाड़ी ली, उन्होंने मेरे को बताया कि थोड़े साल चलाने के बाद गाड़ी में जो इसका गियर लीवर है थोड़ी बबलिंग या वाइब्रेशन इसको बोलते करते हैं, पर इतना भी नहीं है, वो मैंने देखा है इतना भी नहीं है वो कि हम कहें कि गाड़ी बहुत पुरानी सी फील हो रही है हमें, ऐसा कुछ नहीं है उस गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों मेन बात यह है कि अगर हमें सिटी के लिए राइड करनी है तो फिर इग्निस प्रेफर करें हम, थोड़ी और पैसे जरूर लग जाते हैं हमारे, लेकिन टियागो से मच बेटर फीचर्स, मच बेटर डिजाइन और मच बेटर स्पेस हमें मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर, और मारुति का भरोसा हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम फीचर्स को थोड़ा सा पीछे छोड़ दें, राइड, हैंडलिंग, कंफर्टेबल, अगर इन तीन चीजों को अगर हम और हाईवे के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए अगर हम गौर करें तो टियागो इग्निस को पीछे छोड़ जाती है। तो दो चीजें आ गई, एक तो हमें अगर सिटी राइड के लिए चाहिए गाड़ी फिर तो आंख मीच के हम इग्निस के ऊपर घुस जा सकते हैं, और अगर सिटी हाईवे दोनों पे चलना है हमें और कंफर्टेबल राइड चाहिए हमें और प्लांटेड राइड चाहिए, तो फिर हम टियागो के ऊपर जाना ज्यादा हमारी बेटर पिक रहनी चाहिए, बेटर चॉइस रहनी चाहिए हमारी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर प्राइस वाइज अगर मैं वेरियंट्स बना बताने बैठ गया तो ये वीडियो 30-35 मिनट की हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। तो जाहिर सी बात है प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है इनके, लेकिन इसका एक ZX वेरिएंट आता है, वेरिएंट आता है, और जो इसके मिड के वेरिएंट के बराबर, तकरीबन 3-4 हजार का फर्क उसमें पड़ता है, उसके बराबर है जिसको हम डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं, उसके बराबर की इसकी कीमत आती है। इग्निस और टियागो के अंदर ये जो दो वेरिएंट आते हैं, जो इनको अगर हम गौर करें तो इसमें हमें प्राइस बराबर आता है, लेकिन टियागो उसमें ज्यादा बाजी मार ले जाती है फीचर्स के मामले में, फीचर्स में ज्यादा हमें मिल जाते हैं। फिर भी अगर फीचर्स को अगर हम इग्नोर करें तो इग्निस हमें सिटी के लिए लेनी, तो फिर भी सिटी हमें सिटी के लिए इग्निस ही लेनी चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो ये बनाने का मकसद यही था कि क्योंकि एक तो एंट्री लेवल की गाड़ियों में बहुत ज्यादा शुमार हो गई है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है इन गाड़ियों की, कौन सी वेरिएंट ले, कौन सी सेगमेंट ले, कौन सी कंपनी की गाड़ी ले, इस चीज का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। एक तो ये कंफ्यूजन हमारा दूर करना एक फर्ज बनता था, और दूसरा इन गाड़ियों के अंदर फीचर्स वगैरह बहुत हैं जो एक दूसरे मेल खाते हैं, जो कुछ हमें यूज के होते हैं, कुछ हमें यूज के नहीं होते, और फिर भी हम गाड़ी उठा लेते हैं कि इसमें फीचर बहुत है, हालांकि हमारे काम क्यों ना हो वो फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज के लिए मेरे को लगा कि इग्निस और टियागो के अंदर एक कंपटीशन करना चाहिए कि देखे कौन सी गाड़ी बेटर है, इंजन में बड़ा डीजल में चाहिए तो इग्निस, माइलेज हमें अच्छी चाहिए तो टियागो, पेट्रोल के अंदर प्लांटेड राइड चाहिए तो टियागो, सिटी के अंदर चलाने के लिए हमें गाड़ी चाहिए तो फिर इग्निस। ये चीजें हम देख सकते हैं, और थोड़ा नोट भी हमें प्राइस, जो पैसे जो इसके ऊपर लगते हैं, जो खर्च होते हैं, वो भी बहुत फर्क है इसमें, तो उसके लिए भी हम गौर करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी जरूर करिएगा, और नीचे कमेंट्स के अंदर मेरे को बताइएगा कि क्या कुछ हेल्पफुल रही है चीज आपके लिए, और अगर आपको लगता है कि कार बैंक में किसी की हेल्प हो सकती है इससे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अंत तक देख लिया हुआ बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक सीट बेल्ट लगा के ध्यान से आराम से गाड़ी चलाएं, तब तक के लिए जय हिंद।